दोस्तों स्वागत करता हूँ अपने एक न्यू फ्रेश एपिसोड में। और दोस्तों इस एपिसोड में आपको दिखाने वाला हूँ हमारे लखनऊ का अमौसी रेलवे स्टेशन। जैसा कि आप लोग जानते हो अमौसी का नाम काफ़ी सुना होगा, क्योंकि अमौसी के नाम से ही हमारा यहाँ का जो एयरपोर्ट है अमौसी एयरपोर्ट आपने सुना होगा। वैसे तो नाम उसका चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, लेकिन पहले उसका नाम अमौसी एयरपोर्ट था, बाद में नाम चेंज कर दिया गया है। तो अमौसी के गाँव हमारा पास में ही है और पास में इसी के नाम पे हमारा एयरपोर्ट भी है और इसी नाम से हमारा यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। और ये जो हमारा रेलखंड है ये लखनऊ से कानपुर वाला रूट है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं ये एक गाड़ी खड़ी हुई है। तो दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत स्टेशन बना हुआ है और इधर का आप सीन देख रहे हैं, ये इधर कैमरामैन जी ज़रा दिखाइए, ये यहाँ की दो पटरियाँ देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा माल गोदाम भी उतरता है, जैसे साइडिंग देखा होगा जहाँ पर ट्रेनों से सामान उतरता है, तेल राशन अनाज गल्ला सब यहीं पे उतारा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा अमौसी औद्योगिक क्षेत्र भी है। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, गैस की फैक्ट्रियाँ हैं, पेट्रोलियम जो है हमारा यहीं अमौसी से ही जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा नॉलॉन्ग करते हुए वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। तो इन्जॉय करिए इस वीडियो का, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये हमारा टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। ये बिल्डिंग बनी हुई है, ऊपर ये देखिए लिखा भी हुआ है अमौसी। और ये हमारा हाईवे और ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। तो दोस्तों ये है हमारा टिकट घर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये हमारा लखनऊ का टीएस हॉस्पिटल, टीएस मिश्रा आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अभी जल्द ही बनाया गया है टीएस मिश्रा हॉस्पिटल। और ये ओवरब्रिज बना हुआ है इधर, ये जो हमारा हाईवे गया हुआ है ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में कनेक्ट है, ये सीधा रूट है अमौसी से आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ये आप सीढ़ियों की मदद से प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर सकते हो, एक से दूसरे पे जा सकते हो। वैसे यूज़ तो सीढ़ियाँ ही करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जान का भी खतरा नहीं होता। और इसी के लिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप लोग, ये देखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारा ये छोटा सा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सब्सक्राइब ही ना करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री।